तो दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों डेली बेसिस के तरह आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेके आऊं जो कल आपको इंट्राडे में जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये दोनों ही स्टॉक आप लोगों को अपडेट किए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल और एक एजुकेशन पर्पज़ से होने वाला है। और साथ में जो दो कल दो स्टॉक दिए थे जिनका आज इंट्राडे में कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो भी मैं आप लोगों को अपडेट करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मार्केट का अपडेट दे देता हूं। तो मार्केट दोस्तों आज हल्की सी तेजी के साथ 15,850 रुपए के लेवल पे क्लोज हुआ है। उसके साथ ही देखेंगे तो 28 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे और 22 स्टॉक नेगेटिव देखने को मिले, जिसमें से टॉप गेनर की लिस्ट चेक कर सकते हो और साथ में टॉप लूजर की लिस्ट भी देख के चल सकते हो। तो इन्हीं में से दो बेहतरीन स्टॉक है जो कल हमें इंट्राडे मार्केट में जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टॉक है कल के पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टॉक था वो था एशियन पेंट, जिसे हमने बाय करने का रिकमेंड किया था और जो कि दिया था 2840 से, ठीक है, और टारगेट दिया था 2860 का, क्योंकि प्रीवियस क्लोज था 2820 का। तो एक्सपेक्टेशन था कि 10-15 पॉइंट गैप अप ओपनिंग लेके आराम से हमारा पोजिशन एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस में एक बार फिर से तेजी आई जिसके कारण दोस्तों एशियन पेंट में फिर से एक बार हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और हमारा जो पोजिशन था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, ठीक है। अब सेकंड स्टॉक को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमारा सेकंड स्टॉक था नवीन फ्लोरिन का, इसे भी हमने बाय करने का रिकमेंड किया था और जो कि दिया था हमने दोस्तों लगभग 3710 से और लगभग 3730 का टारगेट दिया था। तो प्रीवियस क्लोज देख सकते हो 3885 गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया, ठीक है, और फिर दोस्तों उसने हाई लगाया और हाई लगा के पोजिशन आप बोल सकते हैं कि काफ़ी लेट एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है, मतलब मार्केट क्लोज होते समय और जब ही जाके उसने हाई भी लगाया। तो यहाँ तो दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो ट्रेडिंग करने का समय रहता नहीं है, ठीक है, और सेकंड अगर आप देखेंगे भी तो ट्रेडिंग करने में भी दोस्तों हम काफ़ी बार आपको बोलते हैं कि आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना भी प्रॉफिट दिखता है बुक करके चलिए, ठीक है। या आप अगर मानना चाहो कि हमारा जो 10 पॉइंट का एसएल था वो हिट हुआ, 3700 रुपये का एसएल था वो हिट हुआ, ठीक है, तो आप उसको भी लेके चल सकते हो। जो भी आप तीनों में से चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि हम तीनों प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अपडेट देते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को हम ट्रेडिंग का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं या आपकी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि आप आपकी पर्सनल ट्रेडिंग में इस नॉलेज को यूज़ करें जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो, ठीक है। अब इसी अकॉर्डिंग कल के लिए दो बेहतरीन स्टॉक है तो एक एक करके सबको देख लेते हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी उनका जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1% की तेजी देखने को मिली स्टॉक में और 2202.60 रुपये पे स्टॉक क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था 2181.60 रुपये, स्टॉक ओपन होता है गैप डाउन 2170 रुपये, हाई लगाता है 2210.25 रुपये और लो लगाता है 2160 रुपये। उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम करीबन 12,82,000 क्वांटिटी का हमें वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, मतलब मोमेंटम अदानी इंटर में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, कल के लिए क्या मूवमेंट मिलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आज का ट्रेडिंग सेशन तो बहुत अच्छा रहा अदानी इंटर के लिए, क्योंकि उसने शुरुआत यहाँ से करी थी, ठीक है, पहले यहाँ से करी फिर गिरावट दिखाई काफ़ी बड़ी आप देख सकते हो, उसके बाद रिकवरी करी। रिकवरी करने के बाद ये जो लेवल थे इंपॉर्टेंट्स थे, जैसे कि 2190 का, जैसे 2-3 बार उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, 2180 पे भी लिया, थोड़ी देर इसी रेंज में घूमते रहा वो, ठीक है, करीबन 10:30 बजे से लेके 2 बजे के आसपास, और उसके बाद उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट तो दिया है दोस्तों, लेकिन एक प्रॉब्लम वाला लेवल फिर से आ गया, ये वाला लगभग 2210, ठीक है, क्योंकि यहीं पर स्टॉक ने हाई भी लगा के वापस नीचे आया 2217 रुपये के आसपास आपने देखा, सॉरी, तो इसके आसपास ही दोस्तों स्टॉक अपना हाई लगा के नीचे आया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी गिरावट आई है और काफ़ी नीचे गया है, तो और यहीं पर आके स्टॉक रुका है। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से स्टॉक हमें फिर से गिरावट दिखा सकता है, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए ना तो मोमेंटम आप देख सकते हो कि जिस लेवल से सडनली इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है तो इस लेवल से थोड़ी सी तो प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती है, उसके बाद फिर रिवर्सल ज़रूर हम देख सकते हैं, क्योंकि 2180 रुपये तक का लेवल या आप बोल सकते हैं 2160-2170 रुपये तक का लेवल हमें दिख सकता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसमें एक रिकवरी आ सकती है। ये या सेकेंड मोमेंटम ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपसाइड भी ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो जब तक 2220 रुपये का लेवल या 30 रुपये का लेवल नहीं ब्रेक करे यहाँ की डेट में,
तो जब तक आप लोगों को बाइंग पोजीशन नहीं बनाना है, ये आप लोगों के लिए ठीक है। बाइंग का भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम तो इसको शॉर्ट करके चलेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे वो खड़ा हुआ है। यहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट आई है तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो स्टॉक को शॉर्ट करके चलेंगे। तो प्रॉपर तरीके से लेवल्स को नोट करिएगा। जब कल की डेट में दोस्तों हमें ये स्टॉक, अगर हम गैप डाउन ओपनिंग की भी बात करें तो 2180 पे भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करके चलेंगे। कहाँ से, आराम से हम इस स्टॉक को 2180 रुपये से हम शॉर्ट करके चलेंगे। यहाँ से टारगेट की मैं बात करता हूँ तो 2160 रुपये का लेके चलने वाले, जो इजीली तरीके से अचीव भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हमें पोजीशन के ऊपर भी स्टॉक ओपन हो रहा है गैप डाउन, मान लीजिए 70 पे भी, तो आप पोजीशन बना लीजिएगा और 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का टारगेट रख लीजिएगा, जो अचीव आपको हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और पॉइंट अपडेट करता हूँ दोस्तों, वो पॉइंट है प्रॉफिट गुरु एफ एंड ओ कॉल का टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट का हेल्प सेंटर ओपन है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। किस प्रकार से आपको बताता हूँ, देखिए डेली बेसिस पे ऐसे ऑप्शन के कॉल्स दिए जाते हैं, कभी निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी स्टॉक ऑप्शन के, ठीक है। आज एशियन पेंट का जैसे पुट बाय करवाया था, 150 का लॉट साइज था, 10 पॉइंट का टारगेट इजीली तरीके से अचीव हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आराम से हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। छोटा सा काम कराते हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, ज़्यादा रिस्की नहीं, ठीक है, और आराम से पैसा आप कमा सकते हो। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें चाहिए, पूछना है, टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, आपकी पोजीशन फंसी हुई है या बनाना है, कुछ भी चीज़ आपको पूछना है आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको बाकायदा रिप्लाई दिया जाएगा और प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों को समझाया जाएगा। इसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और इन सभी फ्री की सर्विसों का क्या करना है, फ़ायदा उठाना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को दोस्तों सभी चीज़ें मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए अब हम SL जान लेते हैं दोस्तों। SL की अगर हम बात करें तो SL लेके चलेंगे हम लगभग 2190 रुपये का, जो होगा 10 पॉइंट का टारगेट होगा, 20 पॉइंट का। अब चलते हैं सेकेंड स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सेकेंड स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक का, ठीक है। लगभग 25% की गिरावट के साथ स्टॉक 1669 रुपये 10 पैसे में क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज था 1691 रुपये 55 पैसे। स्टॉक ओपन होता है 1684.90 पैसे। हाई लगाता है 1692 रुपये 35 पैसे और लो लगाता है 1664 रुपये 70 पैसे। बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला और लगभग 28 लाख क्वांटिटी का यहाँ पर वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला है। अब इसके भी टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, कल के लिए क्या मूवमेंट मिलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का जो चार्ट पैटर्न है वो मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए सबसे पहले ऊपर का लेवल मैं आपको बताता हूँ, जो था 1675 रुपये का। बीच का आपको लेवल बताता हूँ, जो था 1670 रुपये का। और एकदम नीचे का लेवल बताता हूँ, जो था 1665 रुपये का। स्टॉक बस यहीं पर ट्रेडिंग करते रहा, लगभग देखा जाना ये 10 पॉइंट पे ही ट्रेडिंग करते रहा। बीच का जो पॉइंट था वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पर वो क्लोज होता ना दोस्तों, तो स्टॉक कल की डेट में हमें ऊपर एक लेवल दिखा सकता था, लेकिन वो क्लोज सबसे पहली बात यहाँ पर हुआ, तो हमें नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है। सेकेंड रीज़न आप देख सकते हो, बार बार वो इसी पॉइंट का लेवल लेके क्या मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, या सपोर्ट लेके वो नीचे आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मतलब दोस्तों जो 1670 रुपये का लेवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था किसके लिए, कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, आज इंट्राडे सेशन में, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, खाली आज इंट्राडे सेशन के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो 1670 रुपये के लेवल के नीचे क्लोज हुआ सबसे पहले, तो ये वॉल्यूम भी उसमें काफ़ी नेगेटिव, गिरावट भी दोस्तों उसी लेवल से आई जहाँ से पहले भी स्टॉक में आ चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी कारण से हम स्टॉक को शॉर्ट करके चलेंगे। तो क्या है लेवल वो अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से लेवल्स को नोट करेगा। जब दोस्तों हमें ये स्टॉक कल की डेट में आराम से मिलता है, कहाँ पर लगभग मिलता है 1655 रुपये पे, तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे लगभग दोस्तों हम 1640 रुपये का स्टॉक में टारगेट लगाएंगे, जो होगा 15 पॉइंट का। और SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL लगाएंगे लगभग 1662 रुपये का, जो होगा करीबन 7 पॉइंट का, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग कोटक महिंद्रा बैंक और अदानी इंटर में हमें पोजीशन बनाना है। और आपका भी टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है आप उस अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करिएगा, ठीक है। और साथ में आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर है उनसे भी कंसल्ट जरूर करिएगा। और एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, हमने जो भी टारगेट दिया है
ठीक है, आप उसका बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक एक रुपये, दो रुपये, तीन रुपये, 25 पैसे, 50 पैसे से टारगेट मिस हो जाता है और इसके बाद स्टॉक या तो कॉस्ट पे आ जाता है या कॉस्ट के भी नीचे चले जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो पोजीशन बनाने के बाद अगर आपको 2 पॉइंट का प्रॉफिट, 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, जितना भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है आप बुक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बुक कर लोगे वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। बाद में क्या हो रहा है दोस्तों वो आप लोगों को नहीं पता है। इस चीज़ को अगर आप आपकी पर्सनल ट्रेडिंग में भी यूज़ करोगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करिएगा और चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार के बेहतरीन अपडेट लाते रहते हैं। और अभी इसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जो डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते ही है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।